भैया जी, वंदे मातरम। वह स्वस्थ समृद्ध परिवार के सदस्यों को मेरा प्रणाम। भैया जी, मेरी पत्नी को खूनी दस्त आ गए थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 24 घंटे में 25-26 खूनी दस्त हो गए थे। तो आपने भैया जी हमें फिटकरी की भस्म, 2 चुटकी मक्खन के साथ, 1 चम्मच मक्खन के साथ लेने के लिए कहा। तो भैया जी, इस पहली खुराक को हमने दिया तो इससे इनका दस्त में खून आना बंद हो गया, पहली खुराक से ही। और फिर इसके साथ भैया जी आपने बृहत गंगाधर चूर्ण भी बताया था, चौथाई चम्मच 4-5 बार लेने के लिए। तो इसको भैया जी इन्होंने शाम को 6:30 बजे लिया, इसके बाद 6-7 बजे, फिर रात को 9 बजे, जो आपने हमें लगभग 4-5 बार लेने के लिए कहा था। कड़वा होने की वजह से थोड़ा दिक्कत की। भैया जी दस्त तो आते रहे, उनको सुबह तक 25-26 दस्त भैया जी हो गए थे। फिर दूसरे दिन भैया जी इनको सुबह गाय का कच्चा दूध, आधा कप गाय का कच्चा दूध और नींबू निचोड़ के पिलाया सुबह सुबह, और बृहद गंगा दूध चूर्ण 4 से 5 बार आधा आधा चम्मच दिया। तो दूसरे दिन भैया जी इनको लगभग 10 बार दस्त हुआ, और रात में कोई दिक्कत नहीं हुई, ये दिन में हुआ, 9 रात के 9 बजे तक। तीसरे दिन भैया जी इनका इनको भैया जी 5 दस्त हुए, और आज भैया जी चौथे दिन इनका नॉर्मली रहा, 2 दस्त हुए सुबह शाम तक, लगभग पूर्ण आराम है। खाने का ध्यान रखा गया, जिसमें भैया जी मूंग की खिचड़ी, मूंग की दाल, ऐसा आहार खाने में दिया गया, और इनरजाल वगैरह, नींबू, सेंधा नमक, मिर्ची वगैरह, ये सब बना के दिया गया। पूरा पूर्णतः बेड रेस्ट पर जैसे ख्याल रखना चाहिए वैसे इनका ध्यान रखा गया, थोड़ा धैर्य रखना पड़ा, मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। और भैया जी तीसरे दिन से चौथे दिन पूर्ण ठीक हो गई, आज घर का सारा काम भी किया और कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। और भैया जी आपका बहुत योगदान रहा, आप खुद फोन करके, मैसेज करके हाल चाल लेते रहे, पूछते रहे, आपके मार्गदर्शन की वजह से असंभव भी संभव हुआ, जो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ऐसा घर पे ठीक हो पाएंगे। इसके लिए भैया जी हमारी ओर से, हमारे घर की ओर से आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी।